जो हक दो तहरीक है बलूचिस्तान के अंदर, और उसमें जो 2021 नवंबर में उन्होंने धरना दिया था, सूबाई हुकूमत ने उनके मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे और उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मिस्टर चेयरमैन, फिर उन्होंने वो मुतालिबात उठाए और उन्होंने अपनी तहरीक और धरना शुरू कर दिया और तकरीबन 2 माह तक धरना दिया था। मुतालिबात क्या है मिस्टर चेयरमैन? लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, ट्रॉलर्स की बदमाशी को खत्म किया जाए, मंशियात के अड्डों को खत्म किया जाए, बॉर्डर ट्रेड की इजाजत दी जाए, स्कूलों और घरों के ऊपर से चेक पोस्ट जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब सी पैक अगर पाकिस्तान के माथे का झूमर है तो इस बात की जरूरत है कि हक दो तहरीक जो मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथी हैं उनके मुतालिबात जिसको पहले ही तस्लीम किया है सूबाई हुकूमत ने, उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाए। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, गवादर में चावनी तामीर हुई है, और गवादर जो है वो सीपैक का झूमर उसको कहा जाता है, लेकिन गवादर के अवाम को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो मिस्टर चेयरमैन, अब हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर्रहमान और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये फिस्ताइयत है और ये फाशिज्म है और ये जमहूरी आवाज को दबाना है, और ये जो लोग अपने हक के लिए उठते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन कोर कमांडर जो है वो गए थे गवादर और उनसे बयान मंसूब है कि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जलसे किए, मजाहिरे किए, धरने दिए, मैं उनके टांगे तोड़ दूंगा। हजरत, आप कौन है कि टांगे तोड़ रहे हैं? ये जलसा करना, जलूस करना, धरना देना, ये तो फंडामेंटल राइट है, इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है। एक कोर कमांडर कैसे एक पॉलिटिकल बयान दे सकता है कि एक पॉलिटिकल तहरीक के खिलाफ जो है वो तशद्दुद के इस्तेमाल की धमकी दे और उसके खिलाफ जो है धमकी आवीज रवैया अख्तियार करें? तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं मिस्टर चेयरमैन कि गवादर का ये आतशफशां है, ये वोल्केनो है, ये फट जाएगा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके आप इसको खसूसी कमेटी में भेज दें कि ये जो हक दो तहरीक के मुतालिबात है जिसको तस्लीम किया है सूबाई हुकूमत ने, तस्लीम किया है, उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनको जेलों में बंद करना, ये क्यों हो रहा है? इसको आप किसी कमेटी भेज दें कि हम उसको वहां डिस्कस कर सकते हैं। और मुतालिबा मिस्टर चेयरमैन, लेकिन हाउस ऑफ द फेडरेशन है, फंडामेंटल राइट का भी इशू है, फेडरेशन भी है। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, देखें जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हैं उनके मुतालिबात क्या हैं। उनके मुतालिबात ये हैं कि बलूचिस्तान के लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, लाशें ना फेंके, सहराओं में लाशें, आबादियों में लाशें, लोगों को गायब करना, ये काम ना करें। उनका दूसरा मुतालिबा यह है कि साहिल बलूचिस्तान पर डाकुओं का हमला ट्रॉलर्स की सूरत में होता है, ये बलूचिस्तान के मछेरों का, माहीगीरों का, उसकी माश को कत्ल करना है, उसको रोकें। उनका तीसरा मुतालबा यह है कि बॉर्डर ट्रेड को ईरान के साथ खोल दिया जाए ताकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अपना रोजगार कर सके। उनका चौथा मुतालबा यह है कि बलोच सरजमीन पर मंशियात के अड्डे खत्म कर दिए जाएं, बलोच नौजवानों को मंशियात से बचाया जाए। उनका पांचवा मुतालबा यह है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, यह बच्चों की तालीम के लिए है, आर्मी चेक पोस्ट के लिए नहीं है, इनसे आर्मी चेक पोस्ट वो खत्म कर दी जाए। और उनका छठा और आखिरी मुतालबा यह है कि आपने एयरपोर्ट बना लिया, आपने सीपैक बना लिया गवादर के अंदर, आपने स्टेडियम बना ली, आपने चावनी तामीर कर दी, तो गवादर के आवाम को पीने का साफ पानी भी दे। अब इसका जवाब क्या दे रहे हैं? इसका इसके लिए उसने धरना किया, इसके लिए सूबाई हुकूमत ने उसके साथ मुआहिदा किया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत ने मुआहिदा पूरा नहीं किया, तहरीरी मुआहिदा, फिर वो मजबूर हुए और 2 माह उन्होंने वहां पे जलसा जलूस किए। अब उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल किया गया। मैं अपने भाई से भी कहता हूं कि आप इसमें सालिसी करें और उनके ये जो मुतालिबात हैं ये हल करवाएं। मैं खुद आपको इस हवाले से फैसिलिटेट कर लूंगा, सहूलत दूंगा, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान आवाम की आवाज है, बलोच आवाम की, मजलूमों की, पिसे हुए गरीब बलोचों की आवाज है, उसको दबाया नहीं जा सकता। उनको जेल के अंदर बंद करना बदतरीन किस्म की फासिज्म है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है। मिस्टर चेयरमैन, ये तो मैंने इसके लिए नहीं उठता था लेकिन मजबूरन मैंने ये जवाब दिया। मैंने असल में उठता था जुनूबी वजीरिस्तान के लिए। जुनूबी वजीरिस्तान में एक उलेसी पासून या पब्लिक अपराइजिंग जिन्होंने वहां पर धरना दिया था,
और उस धरने में उनके कुछ मुतालिबात थे, मैं सिर्फ उनके दो तीन मुतालिबात यहां पर बताता हूं। जो भी वजीरिस्तान बड़ी गैरतमंद आवाम है मिस्टर चेयरमैन, ये जो कबाइली अजला है 50 साल तक पाकिस्तान की फौज यहां नहीं गई थी, 9/11 के बाद यहां गई, ये खुद बॉर्डर की हिफाजत करते थे। इनका मुतालबा यह था, जो जुनूबी वजीरिस्तान के उलसी पासून हैं उनका पहला मुतालबा यह था कि हर किस्म की मुसल्लह तंजीमों को खत्म कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन कितना प्यारा मुतालबा है, रियासत से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं हर किस्म की मुसल्लह तंजीमों पर पाबंदी लगाओ। इसके लिए पुख्तून गैरतमंद कबाइली वजीरिस्तान के वोट खड़े हुए हैं। दूसरा मुतालबा उनका यह है कि अंगूर अड्डा तिजारत अफगानिस्तान के साथ, जिस तरह बलोचिस्तान का मुतालबा है बॉर्डर ट्रेड, ये लोगों को जुनूबी वजीरिस्तान के लोगों को अंगूर अड्डा के जरिए से इजाजत दी जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि जुनूबी वजीरिस्तान का DPO और DC वो टांग डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, कहते हैं कि इनको मुंतकिल कर लो, हमारा DC है हमारे जिले में दफ्तर में बैठे, हमारा DPO है हमारे जिले के दफ्तर में बैठे। डिस्ट्रिक्ट जुनूबी वजीरिस्तान का DPO और DC वो जाता नहीं है अपने जिले, उनके दफातर है डिस्ट्रिक्ट टांक में, लोग उनसे मिलने के लिए दूसरे जिले आते हैं, एक जायज मुतालिबा है। छोटा मुतालिबा उनका यह है कि पुलिस के चौकियां कायम की जाए ताकि अमन बहाल हो, पुलिस की चौकियां कायम की जाए ताकि अमन बहाल हो। और पांचवा यह है कि काले शीशे वाले गाड़ियां जो कि सरकार इस्तेमाल करती है और जो कि गैर कानूनी है, तमाम काले शीशों वाली गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उनका अपना MNA जेल में है, मैं दो दफा कराची गया और दो दफा उनसे जेल में मिलने के लिए गया, वो चट्टान की तरह खड़ा है, बेगुनाह जेल में है। उनका अपना ये इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है कि अली वजीर MNA जुनूबी वजीरिस्तान का मिस्टर चेयरमैन जेल में है। अगर कोई यह चाहता है कि अली वजीर को इस जेल के जरिए से झुकने पर आमादा कर लेंगे, वो चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है, वो कभी झुकेगा नहीं। इसलिए आपने उनके MNA को भी बंद कर दिया है और उनके साथ फिर ये जुल्म भी हो रहा है, तो अब इन हुकूमत ने इनके साथ भी मुआहिदा किया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक तो आप चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगवा लें कि इस मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या है, ताकि लोग दोबारा धरने की तरफ ना आए। और अली वजीर का जो इशू है वो इंसानी हुकूक का इशू है, इसलिए वो कौमी असेंबली का एक मेंबर है, हमारे इस पार्लियामेंट का पार्ट है वो, इसलिए वो बेगुनाह वहां कराची के जेल में है। आप उस मसले को भी ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर भेजें। और सिर्फ उस हाउस का मिस्टर चेयरमैन, लेकिन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मींस नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस हमारे इस पार्लियामेंट का हिस्सा है वो। इसलिए मिस्टर चेयरमैन मैं चाहता हूं कि आप उनके मसले जो पहले वाला मुआहदा है उसका रिपोर्ट ले लें चीफ सेक्रेटरी से। आखिरी बात मैं ये करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि कल सिंध में इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती, और 36 घंटे के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है। मिस्टर चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन 36 घंटे के बाद रिजल्ट, ये रिगिंग है, बदतरीन पोस्ट पोल रिगिंग बाद अज इंतखाब दांगली वो सिंध के अंदर हुई है। और सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो एक नाअहल इंसान है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो सिंध में कराची के अंदर वो नहीं करा सका। मिस्टर चेयरमैन हैदराबाद का इलेक्शन वो 3 घंटे और 4 घंटे में उनका रिजल्ट आता है, और कराची जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है उसका रिजल्ट 36 घंटे के बाद मिलता है। ये कराची के मैंडेट के ऊपर डाका डालना है, ये बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के तकद्दस को मिस्टर चेयरमैन ये पामाल करना है। इसलिए मैं मिस्टर चेयरमैन इसकी मजम्मत करता हूं, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, अगर इससे अवाम का एतमाद उठ गया पाकिस्तान का जोग्राफिया फिर खतरे के अंदर होगा। इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूं मिस्टर चेयरमैन। नतीज तब्दील कर दिए गए हैं, बाकायदा नतीज तब्दील कर दिए गए हैं, सिंध हुकूमत असरअंदाज हुई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सिंध हुकूमत ने इंटरवीन किया है, सिंध हुकूमत ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है कराची के मेयरशिप को अब हासिल करने के लिए। इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं समझता हूं कि अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालना यह जमहूरियत के ऊपर हमला करना है, यह अवाम के मैंडेट के ऊपर हमला करना है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची के अवाम का हक है, वो पिसे हुए हैं, वो मजलूम है, वो पाकिस्तान का माशी इंजन है, उनका हक है कि जो जिस शख्स को वो मेयर मुकर्रर करना चाहते हैं उनको मेयर मुकर्रर किया जाए।
नताइज तब्दील करना 36 घंटे के बाद और खुद फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के अंदर तब्दीलियां करना, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दस को पामल करना, यह काबिले मुज़म्मत है। थैंक यू ऑनरेबल सेनेटर राणा मकबूल साहब। सर अभी बात की, बाज़ई साहब ने तशरीफ रखते हैं या शायद चले गए, उसके बाद जो है बात हुई मुश्ताक साहब की तरफ से भी ग्वादर के हवाले से। सर हम सुनते थे पढ़ते थे कि एहतजाज का हक जो है ये दस्तूरी है और दस्तूर में ये हमें शायद इसकी आज़ादी है। मुतालबात जो ग्वादर के हवाले से थे या बलूचिस्तान के हवाले से थे वो हमसे रोज सुनते हैं, अभी आपने इस वक्त सुन लिए अपना मुश्ताक साहब से भी, अभी कोई और साथी भी इस हवाले से कहेगा तो वो मुतालबात शायद ना तो गैर दस्तूरी हैं ना गैर कानूनी। इस मुतालबात के हवाले से एहतजाज हो रहा था ग्वादर में बहुत रोज़ों से और एहतजाज तो हो रहा था, वो उसमें कस्टडी में भी ले लिया मौलाना हदायत साहब को या और दोस्तों को, वो तो एक अलग से हिस्सा है, शायद वो मामला कोर्ट में तय होंगे। मुझे जो तकलीफ हुई, जो तकलीफ पहुंची है और शायद इस हाउस में मौजूद सबको तकलीफ ये पहुंची होगी कि ये कहा गया जो सिक्योरिटी को हेड करते हैं, नाम नहीं लेता, उनके पार्ट में ये कहा गया कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आप सबको जेल में डाल दूंगा। अब सर ये क्या बलूचिस्तान या ग्वादर कोई मकबूजा इलाका है? यहाँ पे लोग अगर अपने हक के लिए कोई एहतजाज करेंगे तो आप जिसका कोई जेल में डालने का हक नहीं है किसी भी शख्स को, वो क्या ये धमकियां देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को? और ये अगर धमकियां अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज्जत के साथ जो है वो आप अपने खेल रहे हैं, फिर ये धमकियां कोई नहीं सुनेगा। हमारे पास वो ताकत शायद मौजूद नहीं है मगर बोलने की और लिखने की ताकत हमारे पास मौजूद है और हम इसको, इस रवैये को, इस तरह के धमकियों को हमेशा मुस्तरद करते रहेंगे और वो जो है उसके बाद फिर आप जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी वो अल्लाह के बाद, वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप एहतजाज ना करें और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता या मौलाना हदायत पे, वो मेरी पार्टी के नहीं है गो कि वो मौलाना उनके नाम के साथ लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है, वो दुरुस्त कह रहा है। अगर आप आज उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल लोग आपसे ये बातें जोर से मनवाएंगे। सर एक इशू ये था और एक दूसरा इशू, क्वेटा में तकरीबन जो है वो 200 कैजुअलिटीज हैं नवंबर से लेके आज तक, और ये गैस के इशू की वजह से कभी प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, और इसमें कोई केमिकल डालते थे शायद वो महंगा हो गया तो वो केमिकल जो है उसको कम कर दिया गया है। उसके नतीजे में होता यह है कि लोड शेडिंग जो है वो हमारे नसीब में है शायद वहां पे बलूचिस्तान में, तो वहां पे वो जब लोड शेडिंग होती है गैस बंद होती है, जब दोबारा आ जाती है तो बू जो है वो शायद नहीं पता चलती। नतीजे में नवंबर से लेके आज तक 200 लोग जो है ना इस हवाले से मर गए हैं। एक घर में 6-6 लोग एक एक दिन में मर रहे हैं। दो तरह से हमारे यहाँ लोग जो है ना अननेचुरल डेथ का शिकार होते हैं, बल्कि तीसरी तरह भी है जिसका मामला जो है वो पहले वाले मामले के साथ कनेक्ट करते हैं, एक गैस का, दूसरा जो है वो एक्सीडेंट का। रोज 5-10 लाशें जो है ना वो इस हवाले से उठती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स में, कुछ इसमें, और तीसरी उसी वाले वो पहले वाले मामले में। तो इसकी तरफ से इसको, दूसरे वाले इशू को कम से कम किसी कमेटी को भिजवा दीजिए, अगर पहले वाले को भी भिजवा देंगे। सेक्रेटरी साहब इस पे सेक्रेटरी पेट्रोलियम से रिपोर्ट ले लें कि क्यों क्वेटा में हो रहा है। जी थैंक यू जनाब। सेनेटर दिनेश कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब मैं आज आपके सामने एक होशरबा इंकशाफ करना ही जा रहा हूं। जनाब चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने सुना है कि डॉलर्स की पाकिस्तान में बहुत शदीद किल्लत है, यहाँ पर मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, ओपन मार्केट है, ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है। आपको यहाँ पर हमारे साफी हजरात भी बैठे हुए हैं,
आपको मैं इनकशाफ कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ब्लैक मार्केट को लीगल कर दिया है, ब्लैक मार्केट को, ओपन मार्केट नहीं, जो ब्लैक मार्केट में यहां पर जो इंटरबैंक रेट है अगर वो 228 रुपया है तो ओपन मार्केट में वो 236, और जो ब्लैक मार्केट है वो वहां पर 260 रुपया है। तो उस 260 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के थ्रू लीगल कर दिया है, जिसका मेरे पास सबूत है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं बैंक की तरफ से। मैं पिछले कोई एक हफ्ता पहले मैं बैरून मुल्क था, क्रेडिट कार्ड से मैंने ट्रांजैक्शन की, वहां पर शो हो रहा था कि 70,000 रुपया आपका हुआ है, जब मैं यहां आया तो 89,000। तो मैंने बैंक से पूछा कि भाई ये जुल्म क्यों, वहां तो ये शो हो रहा था। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल की है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट बैंक कैन ओनली सेटल ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बाय प्रोक्योरिंग डॉलर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, हेंस द पीकेआर कन्वर्जन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाया इंटरनेशनल मर्चेंट एंड वेबसाइट फॉर डेबिट कार्ड शल बी एज पर द प्रिवेलिंग ओपन मार्केट रेट। ठीक है, हमें कबूल है ओपन मार्केट रेट जो ओपन मार्केट में हो, मगर जब मैं वो कन्वर्जन जो एक्सचेंज रेट देखता हूं तो वो ब्लैक मार्केट का रेट है। स्टेट बैंक ने बैंकों को अथॉरिटी देती है कि आप ओपन मार्केट से खरीद लें और वो भी ब्लैक मार्केट में। सर ये बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ये तो दोगली पॉलिसी है। यहां आकर ये फिनांस मिनिस्टर को, यहां तो मैं कहता हूं इसको कमेटी में भेजे ताकि ये पाकिस्तान की अवाम के अवाम की जेब पर एक डाका डाला जा रहा है, और यहां पर दोगली पॉलिसियां चल रही है, तीन तीन पॉलिसियां चल रही है, खुदा रहा हमें बता दिया जाए ताकि एक ही पॉलिसी हो। अगर कहते हैं डॉलर को ऐसे ही अगर आपने रखना है तो आप रखें, ब्लैक मार्केट से रखें। तो मेहरबानी करके इस अहम मसले पर, ये बहुत बड़ा अहम मसला है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा अहम मसला है और एक बहुत बड़ा इनकशाफ है, इस पर आप नोटिस लें। सेक्टर साहब, इसको सेक्रेटरी फाइनेंस से कहें कि स्टेट बैंक से रिपोर्ट लेके दे। अच्छा, और मैं टीवी से नहीं जी, बिल्कुल मैं अब आता हूं मेरे मौजूद कामरान मुर्तजा साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मुश्ताक साहब भी मेरे उस्ताद हैं। इतने उस्ताद हैं? हाँ बिल्कुल, सीनियर हैं, तो हमारे सीनियर हैं, तो मुझे उनका एहतराम है, हमने उनसे सीखा भी है, मुश्ताक साहब भी मेरे काबिल एहतराम है। मगर मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है, मैं मुश्ताक साहब भी आए हैं, मुश्ताक साहब को भी अर्ज करूंगा, कामरान साहब को भी, कि जब भी मतलब कोई सोशल मीडिया पर कोई खबर आती है, जब हमारी एजेंसियों ने, हमारी पाक फौज ने कहा कि हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं, पता नहीं ये मेरे मोहज़ज़ीन एक सोशल मीडिया की रिपोर्ट पर कि जी हम एहतजाज करने वालों लोगों को गिरफ्तार करेंगे या जेल में डालेंगे। कल मुश्ताक साहब ने कोर कमांडर बलूचिस्तान का नाम लिया, आज इशारतन हमारे कामरान मुर्तजा साहब ने भी कहा है। तो मैं हैरान हूं, हाँ वाज़े किया, मैं हैरान हूं कि हम जबरदस्ती फौज को इन चीजों में ले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारा ताल्लुक नहीं। मैं कहता हूं आपके पास कोई प्रूफ हो, आप तस्दीक शुदा, इस तरह से तो सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या क्यामतें चल रही हैं, मगर उस चीज उन चीजों को यहां इस मौजूद ऐवान में लाना, और एक जो पाक फौज के जो हमारे नौजवान या हमारे ऑफिसरान वहां पर, एक बहुत बड़ी बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं इंसर्जेंसी है, या बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, उन पर तोहमतबाजी मेरे ख्याल में, मैं मेरे बड़े उस्ताद हैं, मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इनसे कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर तस्दीक शुदा हो तो तब इस ऐवान में लाए, अगर तस्दीक शुदा ना हो तो प्लीज पाक फौज पर इस तरह के इल्जाम ना लगाएं। थैंक यू जी। मुश्ताक साहब, क्या आपने एक सेकंड वाली बात सेकंड से ऊपर गई तो जी, मिस्टर चेयरमैन, मैं मेरे कुछ बहुत अजीज दोस्तों ने कल जो मैंने हक तो तहरीक के हवाले से बात की है, उस हवाले से मुझे तनकीद का निशाना बनाया है। मोहतरम ताहिर खान बिजेंजो साहब ने कहा है कि सियासतदानों को एक मरज लाहिक है, उन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे भी इल्म नहीं है कि उस मरज का नाम क्या है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो मरज होते हैं, जो उनको लाहिक होते हैं, तो हमने देखा है कि रावलपिंडी में एक हकीम है, लोग उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो हकीम रावलपिंडी से ज्यादातर जो है वो इलाज करते हैं, पता नहीं मरज क्या है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, मैंने यहां एक बात की, और हमारी सोर्स जो होता है वो मीडिया होता है।
अगर फर्ज करें कोर कमांडर साहब ने यह बात नहीं की है हक तो तहरीक के हवाले से कि उनकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो वजाहत कर लें, मैं इस फ्लोर पर अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन खुद वो चुप हैं, वो एक सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी मनसब पर हैं, वो खुद चुप हैं, वो वजाहत नहीं कर रहे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे कुलीग यहाँ पॉलिटिशियंस पार्लियामेंटेरियंस उनके स्पोक्स पर वजाहत कर रहे हैं, तो वजाहत कर लें। अगर उन्होंने नहीं की है और मैंने ये बात यहाँ कर ली है तो मैं वो अपनी बात वापस ले लूँ। थैंक ऑनरेबल सेनेटर।